Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 2, exercise 14.2. So in this question, hamare paas hai, give the order of rotational symmetry for each of the figures. Ab yahan pe aapko order of symmetry batana hai. So first part pe hamare paas ye figure hai. Ab in questions mein jab bhi aapko order guess karna hai, to jo bhi aapke paas figure given hai ya shape given hai, aapko use apne mind mein set karke imagine karna hai. कि अगर आप इसको रोटेट करोगे तो वो अपनी सेम पोजीशन पे कब आएगा, लाइक दिस इज द फिगर गिवन टू अस. अब अगर हम इसे सेंटर पॉइंट से रोटेट कर रहे हैं, सो दिस मींस ये पॉइंट को अगर मैं यहां से रोटेट करके ऐसे लाती हूं तो 180 डिग्री पे ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, राइट. सो दिस मींस दोबारा ऐसे कब आएगा, जब वो 180 डिग्री पे होगा. सो ये हमारा 180 डिग्री पे है, ठीक है. एंड उसको अगर आप फिर से लेके आओगे तो वो दोबारा सेम कब होगा, 360 डिग्री पे, बिकॉज हर फिगर 360 डिग्री पे एग्जैक्ट सेम होगी ही. सो हमें एक और मिला है, दैट इज एट 180 डिग्री वो फिर से सेम शो होगी. सो दिस मीन्स वन टाइम एंड टू टाइम, सो द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इन दिस विल बी टू, राइट, बिकॉज दो बार ऐसा हो रहा है जब वो एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल शेप पे आ रहा है. सो दिस वॉज पार्ट नंबर ए. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ इन द बी पार्ट हमारे पास ये फिगर है, राइट. अब इसको जब हम रोटेट करेंगे, सो इसमें एक मिस्टेक हो सकती है, दैट इज आपकी जो फिगर एक्चुअल गिवन है वो ये है. एंड इफ आई थिंक कि इसको रोटेट करके ये ऐसे आता है, सो दिस वन एंड दिस वन ये दोनों सेम नहीं है, दीज आर नॉट द सेम पोजिशंस, ये अलग अलग है. यू कैन सी दिस इज मोर इन अ वर्टिकल शेप एंड दिस इज मोर इन अ हॉरिजॉन्टल स्पेस. सो दिस मीन्स कि अगर इस फिगर को हम पूरा लेके जाएंगे, मीन्स कि अगर यहां पे लेट सपोज दिस इज पॉइंट पी, अगर इस पी पॉइंट को आप यहां पे लेके आओगे तो इसकी शेप ऐसे हो जाएगी, जो कि आइडेंटिकल नहीं है. सो इस पी पॉइंट को इफ इट कम्स हियर, मींस ये ऐसे रोटेट करके पी पॉइंट हमने यहां तक ले आए, सो वी कैन सी कि ये दोनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम है और ये पूरा टर्न हो रहा है, दिस मींस ये 180 डिग्री पे हो रहा है, राइट. एंड देन फिर वो कंप्लीटली दोबारा इस पॉइंट पे जाएगा, विच इज 360 degree, right? So this means again, एक बार at 180 degree and एक बार at 360 degree. So order of symmetry here is now order of symmetry is 2, because दो बार ऐसा होगा कि वो exactly same लगेगा जो उसका original है, right? So in B part, the order of symmetry is Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में हमारे पास एक triangle है. Again we will have to rotate this. So let's start. ये एक triangle है and let's suppose ये इसका point है. Again I'm naming it P. अब ये triangle पूरी तरह से ऐसे ऐसे करके rotate होगा. ये point यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा and so on. लेकिन ये point जब यहां तक पहुंचेगा तो इसकी शेप फिर से एक ट्रायंगल में आ जाएगी, राइट. और ये होगा 120 डिग्री पे, 120 डिग्री रोटेट हुआ. सिमिलरली फिर से अब ये पॉइंट चलते 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 यहां तक पहुंचेगा एंड जब ये यहां पे पहुंचेगा तो फिर से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा. सो दिस इज अगेन एट 120, मींस यहां से अब इसको 120 पे रोटेट किया, अब यहां से ये पॉइंट चलेगा और यहां तक आएगा, मींस ओवर हियर, विच इज बैक टू 360. सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक बार यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे एंड थर्ड टाइम यहाँ पे. सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया तीन बार. सो इट इज 3, बिकॉज तीन बार वो अपनी एक्चुअल जो ओरिजिनल शेप है उस पे आया है. सो दिस वॉज पार्ट नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. डी पार्ट में हम देखोगे हमारे पास ये विंडमिल जैसी शेप है. नाउ सबसे पहले हम इस फिगर को अपने माइंड में सेट करेंगे एंड इमेजिन करेंगे कि ये अगर हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मींस ये फैन यहां तक आ रहे हैं, तो
तो फिर से ये उसी पोजीशन में जा रहे हैं. सो सबसे पहले एट 0 degree means let's suppose ये point P है. So ये जब तक यहां पे आएगा, this means ये वाला जो हमने P point है वो यहां तक आया, तो ये सेम होगा. मींस हमने क्या किया, सिर्फ एक 90 डिग्री एंगल पे इसको टर्न किया है. ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर मैं यहां ले हूं, मींस एक और बार 90 डिग्री करूं, सो अगेन इट विल बी द सेम शेप. मींस अब ये पॉइंट यहां पे आ गया. ठीक है, हम बस इसको रोटेट करते हुए चल रहे हैं और रोटेशन के अंदर ये देख रहे हैं कहां कहां पे वो सेम अपनी शेप पे आ रहे हैं. मूविंग हियर, अब ये पॉइंट फिर से ऊपर जाएगा, means it will come here, right? अब last time फिर से इसको घुमाएंगे 90 degree, तो ये अपनी original position पे चला गया. तो कितनी बार same आया, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 बार ऐसा हुआ कि ये same अपनी original जो इसकी shape थी उस पे आया. So इसका order of symmetry हो गया 4. ठीक है, this was part number D. Now let's do the next part. Now in the E part हम आप देख सकते हो यहाँ पे एक plus की तरह figure है. So इसमें भी same हमें अपने mind में set करना है and then देखना है कि अगर ये हम इसे rotate करते हैं तो कितनी बार वो same position पे आएगा. So let's start from here. ये हमारी actual figure है. So अगर ये point P है, now this will start rotating. जब ये rotate होगा तो ये जो है इधर आएगा, इधर करते करते यहां पे आएगा, और जब यहां पे आएगा तो हमारी एक्चुअल शेप आएगी. सो दिस मींस जब ये पॉइंट यहां पे आएगा तब वो उसकी एक्चुअल पोजीशन पे होगा, मींस सेम उस पे होगा. सिमिलरली दिस पॉइंट विल स्टार्ट मूव एंड जब तक वो यहां पे आएगा, दैट इज ओवर हियर. सो यहां पे आएगा, राइट, देन अगेन अब वो इधर से रोटेट होता हुआ इधर पहुंचेगा, राइट, देन दिस विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज एंगल 360 डिग्री, जब वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा. अब इसमें ये हमने सारे उसको ये इधर से लेके इधर तक टर्न हुए, मींस 90 डिग्री पे, तो ये सारे 90 डिग्री पे टर्न हुए. अब कितनी बार सेम शेप आई है, 1, 2, 3 and 4. सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 4. ठीक है, सो दिस वॉज पार्ट नंबर ई. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट. इन दिस पार्ट वी कैन सी वी हैव अ पेंटागन बिकॉज इसकी 5 sides हैं. सो अगेन कीप दिस फिगर इन योर माइंड एंड देन थिंक कि अगर लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट जो मैं सोच रही हूँ, और मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया. सो ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, राइट, सो ये पॉइंट यहां तक पहुंचेगा. जब ये पॉइंट यहां तक पहुंचेगा तो ये घूम के फिर से शेप ऐसी ही हो जाएगी. ये लाइन यहाँ आ गई, ये ऊपर आ गई, तो मींस इसी शेप में आ जाएगा. अब ऐसा कितनी बार होता है, लेट्स सी. इसमें हमने पॉइंट ले लिया पी और अब ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ. सो नाउ ये पी पॉइंट हमारा यहां पे आ गया. ठीक है, देन मूविंग डाउन अगेन सेम शेप. अब फिर से कब आएगी, जब ये पॉइंट घूम के यहां पे आ जाएगा. सो दिस विल बिकम माय पी पॉइंट, देन मूविंग दिस वे. अब ये पॉइंट यहां से मूव होता हुआ, रोटेट होता हुआ इधर आ जाएगा. सो नाउ दिस हैज बिकम माय पी पॉइंट, देन अब ये रोटेट होता हुआ यहां पे आ जाएगा, राइट, एंड नाउ अब जो रोटेशन होगी तो वो पॉइंट अपना जो पहला ओरिजिनल जहां पे था वो वहां आ गया. मींस कि पूरा 360 राउंड कंप्लीट हो गया. और इस 360 राउंड में कितनी बार वो सेम हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार वो
अपनी ओरिजिनल शेप में आया. सो दिस मींस ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हियर इज 5. ठीक है. सो दिस वाज पार्ट नंबर एफ. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द जी पार्ट. जी पार्ट के अंदर हमारे पास एक स्टार फिगर है एंड वी कैन सी इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंटेड स्टार. सो अगर हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो देर आर मेनी टाइम्स जब वो सेम पोजिशन में आएगा. मीन्स जब ये जो इसका कॉर्नर है ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये रोटेट होके फिर से सेम हो जाएगा बिकॉज ये कॉर्नर यहाँ चला जाएगा एंड वाइस वर्सा. तो ये पूरा एज इट इज रहेगा रोटेट होने पे. ठीक है. सो कितनी बार ऐसा होता है लेट्स सी. सो इफ दिस इज द शेप एंड ये पॉइंट को हमने टी ले लिया एंड अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं. सो ये पॉइंट यहां पे आ गया राइट. जब ये पॉइंट यहां से मूव करता हुआ यहां तक पहुंचेगा सो दैट इज जितना भी इसने मूव किया वो उसकी पोजीशन या कह सकते हैं उसकी शेप एग्जैक्टली सेम हो गई. अगेन दिस पॉइंट विल कम हियर. सो ये हो जाएगा यहां पे आ जाएगा ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक मूव करेगा. सो नाउ अब ये रोटेट होके यहां पे आएगा. सो इन द नेक्स्ट फिगर ये पॉइंट ये वाला पॉइंट हमारा यहां तक आ जाएगा. सो दिस इज द न्यू पी पॉइंट. देन अब ये यहां से रोटेट होता हुआ इस पॉइंट तक आएगा. सो अगेन इट विल कम हियर. ठीक है. अब ये रोटेट होता हुआ यहां पे जाएगा. सो दिस पॉइंट विल कम हियर. अब ये हमारा पी पॉइंट हो जाएगा एंड जब ये पॉइंट दोबारा यहां पे वापस पहुंच जाएगा दैट इज द ओरिजिनल पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया था. मींस ये पूरा इसका 360 रोटेशन हो गया. सो दिस मींस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मींस इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 6 होगा बिकॉज 6 बार ऐसा हुआ है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आया है. सो ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री इज 6 राइट. सो दिस वॉज द जी पार्ट. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज योर होमवर्क. इट इज वेरी इजी. अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2. विद दिस वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज. नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल. बाय बाय फॉर नाउ.